गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. टुडे इन योर ईवीएस बुक आई विल एक्सप्लेन यू द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 19 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पेज नंबर 79 एंड 80. सो स्टूडेंट्स, प्लीज टेक आउट योर ईवीएस बुक, पेज नंबर 79. सो स्टूडेंट्स, This is the page number 79, book exercise. A. Tick the correct answers. As you all know that there are three options given for a statement and you have to take the right one. So, first statement is the fastest means of transport is. Transport ka fastest means kya hai? Matlab sabse zyada tez chalne wala sadhan kaun sa hai? Aeroplane, train ya ship? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा तेज एरोप्लेन ही चलता है, तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एरोप्लेन. सेकेंड इज़ अ व्हीकल विद एन इंजन इज़. जिस व्हीकल में इंजन होता है वो कौन सा है, बाइसिकल, कार या रिक्शा? तो कार में ही होता है इंजन, बाइसिकल और रिक्शा में नहीं होता. बी. सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. हर ग्रुप में आपको ऑड वन को सर्कल करना है. ए. वन नंबर पर है कार, बस, स्कूटर और बाइसिकल. तो कार में, बस में और स्कूटर तीनों में इंजन होता है लेकिन बाइसिकल में इंजन नहीं होता है, सो यू हैव टू सर्कल द बाइसिकल. सेकेंड, बुलक कार्ट, टोंगा, ट्रेन एंड साइकिल रिक्शा. बुलक कार्ट, ट्रेन, बुलक कार्ट, टोंगा, ट्रेन एंड साइकिल रिक्शा. तो बुलक कार्ट, टोंगा और साइकिल रिक्शा जो हैं उनमें इंजन नहीं होता है लेकिन ट्रेन में इंजन होता है, सो यू हैव टू टेक, यू हैव टू सर्कल द ट्रेन. नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर्स. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स ऑन द सी. उस यातायात के साधन का नाम बताइए जो समुद्र में चलता है, बाइसिकल, ट्रेन या शिप. तो आपको पता है शिप ही है जो सी में चलती है. सो स्टूडेंट, कम टू द पेज नंबर 80. बी. राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसके टू एग्जाम्पल्स लिखने हैं. वन इज़ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे आपको मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट लिखने, मतलब कि जो अर्थ पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, वो कौन से हैं? कार, बस. कार और बस जो हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट है. सेकेंड, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो हवा में चलते हैं, वायु में चलते हैं, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर. नेक्स्ट, स्लो मूविंग व्हीकल्स. स्लो मूविंग व्हीकल्स कौन से हैं? बाइसिकल एंड टोंगा. सो स्टूडेंट्स, सी नंबर इज, नंबर दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट. मतलब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन्हें, इनका नंबर लिखना है कि सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट कौन है, फिर उससे ज़्यादा फास्ट, फिर फास्ट, फिर फास्ट. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट में से साइकिल है. सेकेंड पे बोट, मतलब बोट साइकिल से थोड़ा तेज़ चलती है, उससे ज़्यादा फिर ट्रेन एंड फास्टेस्ट है इसमें एरोप्लेन. सो आपको इसी अकॉर्डिंग नंबर अरेंज करने हैं और लिखना है. डी. यू हैव टू विजिट योर फ्रेंड हु लिव्स नियर योर हाउस. आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है जो आपके घर के पास रहता है. हाउ आर यू गोइंग टू गो हिज और हर हाउस. आप उसके घर पे कैसे जाने वाले हो? टिक द ऑप्शन यू चूज. अब उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो आप उस टाइम पे चूज़ करोगे. गो वॉकिंग अलोन, क्या आप अकेले जाओगे? गो इन अ कार, क्या आप कार में जाओगे? गो वॉकिंग विद एन अडल्ट, या फिर अपने किसी बड़े के साथ जाओगे. तो आप अभी छोटे हो तो आप किसी अडल्ट के साथ ही जाओगे. गो वॉकिंग विद एन अडल्ट. सो ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस बुक एक्सरसाइज. सो एट योर होम यू हैव टू फिल दिस इन योर बुक, पेज नंबर 79 एंड 80. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.